काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर सबसे पहला पॉइंट है, ये नाम से ही पता लग रहा है, काइनेटिक का मतलब कि मॉलिक्यूल्स किसमें होने वाले हैं, गैस के मोशन में। तो मोशन में मॉलिक्यूल्स हैं, और गैस के मॉलिक्यूल जो मोशन में है उसकी थ्योरी के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे कि वो गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज क्या हैं, किस वेलोसिटी से गैस के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, कितनी काइनेटिक एनर्जी से गैस के मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं। वो गैस के मॉलिक्यूल जिस कंटेनर में है, कंटेनर पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो वो एवरेज फोर्स क्या होगी ये भी चैप्टर बताएगा। तो मेन मेन तीन बातें बताता है, मॉलिक्यूल की वेलोसिटीज बताता है, काइनेटिक एनर्जी बताता है, और प्रेशर बताता है कि मॉलिक्यूल्स उस गैस के कंटेनर पे प्रेशर क्या लगाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में। अ गैस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल विच आर ऑलवेज इन मोशन एंड दीज मॉलिक्यूल सफर चेंज इन वेलोसिटीज ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूल फोर्स बिटवीन देम। मॉलिक्यूल्स की आपस में टक्कर होती रहती है और वेलोसिटीज एक्सचेंज होती रहती हैं, एक मॉलिक्यूल अपनी वेलोसिटी दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करता रहता है। कुछ अजम्पशंस हैं इसमें थ्योरी में, जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो कुछ चीजों को निगलेक्ट भी करेंगे, जैसे नंबर वन, ऑल गैस गैसेज कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड ये मॉलिक्यूल रिजिड बॉडीज हैं, कंप्रेस नहीं हो सकते, पक्की रिजिड बॉडीज हैं। एंड नेक्स्ट है, डिफरेंट गैसेस के मॉलिक्यूल का साइज भी डिफरेंट रहता है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल आर नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर डिस्टेंस कवर करते हैं लेकिन उनका खुद का साइज बहुत छोटा रहता है। नेक्स्ट है, मॉलिक्यूल्स आर इन स्टेट ऑफ रेंडम मोशन, हर वक्त मॉलिक्यूल मूव करते रहते हैं, मूविंग इन ऑल डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज। अलग अलग वेलोसिटी से मॉलिक्यूल मूव करते हैं और रेंडम मोशन में होते हैं, कहीं भी कैसे भी कोई मॉलिक्यूल कैसे भी जाएगा। द कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज इलास्टिक, मतलब इन इलास्टिक नहीं है, एनर्जी लॉस नहीं है, मॉलिक्यूल की कोलिजन इलास्टिक है। तो ये बेसिकली अजम्पशंस हैं, और ये डेरिवेशन पक्का आएगी, प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ गैस, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो।